प्रदेश में एक बार फिर से अवैध मदरसों पर शिकंजा कसता दिख रहा है, क्योंकि प्रदेश सरकार के निर्देश पर जांच टीम एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर योगी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। उस हिसाब से अब प्रदेश के करीब 13,000 अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल एसआईटी ने जांच के बाद सरकार से 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की है। एसआईटी के मुताबिक जांच में जिन मदरसों को अवैध पाया गया है उनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा पर स्थित है। उनमें यूपी के 7 जिले शामिल हैं, जिसमें बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर और पीलीभीत शामिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन मदरसों का निर्माण खाड़ी देशों से मिली फंडिंग से किया गया है। एसआईटी ने रिपोर्ट में आगे कहा कि जब इन मदरसों से उनकी आमदनी और खर्चा का ब्यौरा मांगा गया तो ये मदरसे नहीं दे पाए। तब की कुछ मदरसों ने चंदे से मदरसे के निर्माण होने की बात बताई, लेकिन चंदा देने वालों की जानकारी नहीं दे पाए। एसआईटी के मुताबिक जांच में 23,000 मदरसों में सिर्फ 5,000 मदरसों के दस्तावेज मिले। वहीं इस मामले में योगी सरकार के मंत्री ने कहा कि हिंदू मुस्लिम में सरकार भेदभाव नहीं करती, ये तो शिकायत के आधार पर कार्रवाई हो रही है। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, मोदी सरकार काम नहीं करती है, योगी सरकार काम नहीं करती है। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहर्निश काम कर रहे हैं। जहाँ तक मदरसों की बात है, शिकायत होने पर जांच कराई गई है, जांच के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले में यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि अगर मदरसों से कानून के नियमों का उल्लंघन किया है तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। अगर इस तरह से नहीं, हम लोगों को इससे मतलब नहीं होता, लेकिन अगर इस तरह से कोई विदेशी फंडिंग ली गई और वो नियम के खिलाफ ली गई, नियमानुसार नहीं है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। बताते चले कि शुरुआती जांच के बाद एसआईटी ने सीमावर्ती इलाकों में स्थित मदरसों में करीब 100 करोड़ की फंडिंग की आशंका जताई थी, जिसके चलते यूपी सरकार ने सभी मदरसों के जांच के निर्देश दिए थे।